पिथौरागढ़ के पहाड़ी क्षेत्र राम शहर के अंतर्गत जंगल में तेंदुए की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली। स्थानीय लोग जब जंगल में घास के लिए जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि जंगल में एक तेंदुए की लाश पड़ी है। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना वन विभाग व स्थानीय प्रशासन को दी गई। प्रशासन द्वारा मृतक तेंदुए की शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही कारणों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। पाया गया क्या रही ये कहां से मिला आप? ये तेंदुआ जो मृत पाया गया है ये काननी गांव के पास काननी जंगल है जी, तो उसमें मिला है। हमें पुलिस द्वारा सूचना मिली थी जी कि उपरोक्त स्थान पर एक तेंदुआ पड़ा है। अच्छा जी। और ये तेंदुआ लगभग 7, 8 और 10 दिन पहले का मृत तेंदुआ है और इसमें कोई घाव इत्यादि नहीं है और इसके बॉडी पार्ट सब इंटैक्ट है इसमें जी। और इसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है जी, तो हम इसको वहाँ से उठाकर वेटरनरी हॉस्पिटल ले आए हैं जी। इसकी मेडिकल जांच होगी? इसकी मेडिकल जांच की जाएगी और सही मेडिकल जांच के उपरांत ही पता चलेगा कि इसकी मृत्यु का क्या कारण रहा। नहीं लगता नहीं कि शिकारियों द्वारा, क्योंकि इसकी बॉडी पे कोई भी ऐसे घाव नहीं अभी तक हमें मिले हैं। ये कोई 8 और 9 दिन के बीच में है, क्योंकि इसकी जो स्किन है वो भी बिल्कुल एकदम से वैसे ही छूने से भी बाहर निकल गई है। मेडिकल जांच के बाद हम एक कमेटी गठित करेंगे जी। हमारे जो यहाँ पे प्रधान है जी, प्रधान मेंबर उसमें डिपार्टमेंट के होंगे। अच्छे जी। तो कमेटी गठित करके इसको उनकी समक्ष इसको जो है वो आग के हवाले किया जाएगा। आग के हवाले दफनाया जाएगा? दफनाया जाएगा इसको, आग के हवाले करेंगे, इसको जला देंगे। ठीक। राम शहर से तरुण कुमार की रिपोर्ट।